Hi, Sharks. Hello. Hello. Welcome to Shark Tank. Oh, good one. Very nice. मेरा नाम सत्यजीत मित्तल है. मैं अरेटो का CEO और फाउंडर हूँ और मैं पुणे से आया हूँ. अनुपम, yes, आपका शू साइज क्या है? 8 US. अगर मैं आपको साइज 9 या 10 दे दूँ और पूरा दिन ऑफिस भेज दूँ तो आपको कैसा लगेगा? लूज लगेगा. लूज लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, करेक्ट. बट बचपन में तो यही होता था. मम्मी पापा जब हमें शूज खरीदते थे तो एक उंगली आगे रखकर हमेशा एक साइज बड़ा खरीदते थे और फिर मोटे मोटे सॉक्स पहनाकर आगे स्टफिंग डाल के या फिर लेसेस कस के टाइट करके बस किसी तरह फिट करा देते थे. बच्चों के पैर 1 से 10 साल की उम्र में इतने रैपिडली ग्रो होते हैं और पेरेंट्स हर 3 से 6 महीनों में नए जूते नहीं खरीदते. दुनिया में इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बने बट किसी भी ब्रांड ने बच्चों के लिए जूते नहीं बनाए. उन्होंने बहुत कन्वीनियंटली अडल्ट शूज को श्रिंक डाउन करके उनका छोटा वर्जन बना दिया और बच्चों को पहना दिया. हम बात कर रहे हैं 110 करोड़ बच्चों की जो लगभग दुनिया में है इस समय 1 से 10 साल की उम्र में. तो बच्चों के साथ ये रोज जागती क्यों हो रही है? यहीं से हमारी सोच शुरू हुई. हम चाहते थे कि हम हर एक बच्चे को एक परफेक्टली फिटेड शू पहनाएं. इसीलिए हमने 2 साल की लंबी R&D और अनगिनत फुट ट्रायल्स के बाद बनाया अरेटो. अरेटो दुनिया का पहला ब्रांड है जो अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के साथ एक ऐसा शू बनाता है जो बच्चों के पैरों के साथ 3 sizes तक ऑर्गेनिकली ग्रो करता है विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन. इस टेक्नोलॉजी को पॉसिबल करते हैं 3 elements. हमारी सुपर ग्रूव टेक्नोलॉजी जो नेचर से इंस्पायर्ड है. जैसे एक बड फ्लावर में ब्लूम करता है वैसे ही अरेटो के सुपर ग्रूव्स बच्चों के पैर के साथ धीरे धीरे ब्लूम करते हैं. दूसरा, इसका इन्फिनेट फैब्रिक जो एक 3D नेटेड फैब्रिक है जो काफी स्ट्रेचेबल और ड्यूरेबल है. और तीसरा, इसका स्क्विशी फोम जो बच्चों की पैर के शेप ले लेता है और उन्हें सपोर्ट करता है कुशन के साथ. और लास्टली, ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है. तो इन्हीं सब चीजों के और डिजाइन फीचर्स के कारण अरेटो बनता है एक हाईली एर्गोनॉमिक शू जो बच्चों के 3 sizes की ग्रोथ में परफेक्टली फिट होता है. पिछले 11 महीनों में हमने 20,000 से भी ज्यादा जूते बेचे हैं. ये जूते हमने अपनी वेबसाइट से बेचे और अभी रिसेंटली हम मार्केट प्लेसेस पर भी आए. बट यही नहीं, 4 महीने पहले हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया. हमने अपना पहला EBO खोला पुणे में और वो बहुत सक्सेसफुल रहा. तो शार्क्स, हमारी आस्क है 80 lakh फॉर 1% ऑफ आर कंपनी. बट ये आस्क एक छोटी आस्क नहीं है, ये आस्क है इनोवेशन की, ये आस्क है इंडिया को आगे ले जाने की और फुटवेयर में डिसरप्शन लाने की. क्या आप हमारी क्रांति को ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं? सत्यजीत, तुमने कहा 11 महीने पहले यू स्टार्टेड सेल्स, तो कंपनी भी 11 महीने पहले शुरू हुई? नहीं सर, कंपनी शुरू हुई 2020 में. ओके सर, एक बात मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ. हाँ जी, जी. थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ फिर आगे चलते हैं ताकि ये अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं कहाँ से आया हूँ. इसको कहते हैं कंट्रोल द नैरेटिव. चलो सत्यजीत, आप अपनी स्टोरी बताइए. तो मैं इंडिया में बहुत जगह रह चुका हूँ. मेरे फादर आर्मी में नहीं बट सेल्स आर्मी में थे. मुझे बचपन से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग का बैंक था, मतलब मेरी फेवरेट क्लास थी क्ले मॉडलिंग. मैंने अपने 3rd year कॉलेज में एक प्रोडक्ट बनाया था स्क्वाट ईज. एक प्रोडक्ट बना के आप भूल जाते हैं, मैं उसे भूल गया. लेकिन मैंने एक डिजाइन अवार्ड के लिए अप्लाई किया वर्ल्ड में जिसका नाम है IF प्रोडक्ट डिजाइन अवार्ड जो कि एक बहुत ही बड़ा जर्मनी का अवार्ड है. आई एम अ विनर ऑफ IF. वेरी नाइस. एंड देन आई वन द रेड डॉट. ओह वेरी नाइस. देन आई वन गुड डिजाइन अवार्ड जापान. ये स्क्वाट चीज क्या है? एक इंडियन टॉयलेट था जिसको मैंने इनोवेट किया और उस पे इंक्लाइन प्लेन डाला 15 degree का. तो आप इस पे उल्टा नहीं बैठ सकते और 430 मिलियन लोगों को टॉयलेट जाने की आदत ही नहीं थी तो उन्हें पता नहीं था प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है. तो हमने कुंभ मेला में ये लॉन्च किया. देन आई अंडरस्टूड कि UX ऑफ अ टॉयलेट क्या होना चाहिए. ये मेरा प्रोजेक्ट था. आई थिंक अब इस पे आ जाते हैं अरेटो पे. नहीं, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब मैं सिरेमिक फैक्ट्री में वॉक करता था मुझे पता था स्क्वाटीज वाज अ 1% कंपनी. मैन्युफैक्चरिंग से लेकर बेचने तक और उसको लाइसेंस करने तक 2020 में
मैं अकेला आदमी था। चल भाई थोड़ा थोड़ा जल्दी कर, आपने डैड से अच्छा सीखा है सेल्समैनशिप, बट कभी कभी ओवर सेल्स हो जाता जी है ना। तो मैंने ये अंडरस्टैंड किया कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों के पैर तो बढ़ रहे हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। वर्ल्ड की कोई भी फुटवेयर कंपनी जो किड्स शू बनाती है उसका नाम मैं तो बोलने ही नहीं दे रहा यार। जो सहूलियत आप दे रहे हैं उस पे बाद में आएंगे, बेटर क्या उस पे बाद में आएंगे। क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ ये? हाँ, दिखाइए प्रोडक्ट, दिखा दो प्रोडक्ट, दिखा दो। तो जब तक ये प्रोडक्ट दिखाते हैं, आई हैव मेट अरेटो बिफोर। ओह रियली? जब इन्होंने बेचना शुरू ही किया था जी, एंड वी वर इन एडवांस स्टेजेस ऑफ पुटिंग इन मनी। वो यस, बट यू वर वर्किंग विद माय टीम यस ऑन फाइनेंशियल पेपर, और कहीं लास्ट मोमेंट पे इट गॉट ड्रॉप फॉर व्हाटएवर रीजन। भाई शूज तो कंफर्टेबल है तेरे, कुछ तो अलग है। एंड द सोल इज नाइस। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जो हमने वो 50 मिनट फोन पे बात करी थी उसने मेरे 11 महीने बदल दिए। मैं आपके आसपास आता हूं। चलो थैंक यू भाई, तो सेल्समैन तो सॉलिड है सत्यजीत। इट्स अ नाइस नेम एंड नाइस लोगो। थैंक यू सो मच। एंड द डिजाइंस आर लवली। थैंक यू सो मच। ये बट साइज शायद एक आध साइज ही फ्लेक्सिबल होगा राइट? के मैम यू कैन सी इट, वहां तक जा सकता है। इट सीम्स दैट यू आर पुशिंग द एनवेलप वहां पे। सेम शूज, तीन साइजेस में आप कोई भी शू निकाल के किसी भी इसमें डाल सकते हैं। बट वो कंफर्टेबल फील होगा। 20,000 बच्चों को बेचा है और 8% रिपीट है, प्रोडक्ट फ्रीक्वेंसी 11 महीने की। ये शूज सेम है? सेम साइज। तो साइज तो होगा ही नहीं फिर आपका मतलब है कि? नहीं, हम सर 15 SKUs ऑफ साइजिंग को 5 SKU में ले आते। जब व्हेन यू गो फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड, एकदम ऑनेस्टली बताना जी, बिल्कुल मेरे को सेल्समैनगिरी मत करना जी, बिल्कुल यहाँ पे समझदारी से ही काम हो। 1-3 जब जाते हैं हाँ जी, कंफर्ट क्या रिड्यूस होता है थोड़ा बहुत? नहीं सर। तो ये आपका दावा है ये कंफर्ट कम नहीं? हाँ। मैं इस पे कुछ कमेंट करना चाहता हूँ, बिकॉज माय सन यूजेस दी शूज। एक टाइम आता है कि जब ये थोड़ा सा टाइट लगने लगता है हमको माँ बाप को, हमने एक साल के बियॉन्ड क्या 6 महीने के बियॉन्ड भी फेल्ट की एक साइज बड़ा अपग्रेड करने की जरूरत है। फॉर अरेटो शूज। और हम यही डेवलप करते रहते हैं। तो जो फर्स्ट इनसाइट हमें 11 महीने में मिली है कि जो S0, S1 और S2 साइज है उनमें हम एक प्रोडक्ट को हमने थोड़ा सा स्लाइटली मोर ओपन करके दो वेलक्रोज भी दिए हैं, और जो हमारे S5, S6, S7 साइजेस हैं जो थोड़े बड़े बच्चों के होते हैं उसमें हमने लेसिंग इंट्रोड्यूस किया ताकि बच्चे को कंट्रोल मिले एडजस्ट करने के लिए। जस्ट क्लैरिफाई, आपने कहा 5 साइज है, मुझे 7 दिख रहा। वो आने वाले हैं तो हम पैकेजिंग में ऑलरेडी हमने यू आर गोइंग टू गो टू 7। S7 तक जा रहे हैं। ये S क्या है? साइजेस, साइज सीरीज, सीरीज या साइज? सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। सो सीरीज 1 इज लाइक वर्ल्ड वाइड 6.6 mm का फर्क होता है। अरे भाई सिंपल क्वेश्चन है यार, तू घुमा मत, रुक जा भाई, रुक जा, सांस ले लंबा, हमें भी क्वेश्चंस पूछने हैं। मैं नहीं समझ आ रहा, तू बहुत तेज चल रहा है। S जो है ये साइज है ना सिंपल? करेक्ट। तो इतना सिंपल आंसर है इसमें, क्योंकि इतना घुमा के कान क्यों पकड़ता है, ऐसे पकड़ लिया। चलो बिजनेस बताइए। लास्ट मंथ हमने करीब 60 लाख किया था, इस महीने वी आर ऑन ट्रैक टू डू अबाउट 72 लाख। अभी 10 दिन हुए हैं, हम करीब 25 लाख नेट पे पहुंच गए। बर्न बताओ, बर्न बर्न। लास्ट मंथ हमारा बर्न करीब 11 लाख। वो 11 लाख ऑन 60 लाख ऑफ सेल्स? यस। ये इबिट्टा लॉस था? ये इबिट्टा लॉस। और कैश फ्लो बर्न? मेरे पास इन्वेंटरी 1 महीने की थी, हम 1 महीने की इन्वेंटरी पे रोल कर रहे हैं। कैश बर्न, कैश बर्न। क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर इन अ नंबर? करीब मतलब बैंक बैलेंस day 1 एंड day 30 में कितना डिफरेंस था? day 1 ईयर टू डेट से अगर मैं नहीं, टोटल नहीं, नहीं, उसी लास्ट मंथ आपने बताया ना 60 लाख की सेल थी, आपने बताया इबिटा लॉस वाज -11 लाख। जी, तो इबिटा लॉस डजंट ऑलवेज मैच कैश लॉस बिकॉज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई लोन वोन नहीं है कंपनी पे, बस जो हमारी इन्वेंट्री चल रही है हमारे पास करीब 50 लाख की इन्वेंट्री होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमने चैनल, एक सेकंड रुक जाओ, आपकी चैनल स्ट्रेटजी क्या है, कहां से माल बिक रहा है 60 लाख? 60 लाख का हमारी वेबसाइट से बिकता है। कितना बिक रहा है, कैन यू ब्रेक इट अप? लास्ट मंथ करीब 30 लाख 50% वेबसाइट से आया। ओके, 12.5 लाख आया हमारे दुकान से, बाकी इवेंट्स बिजनेस देता है 10 लाख। अभी मार्केट प्लेसेस हमने बहुत नेसेंट स्टेजेस पे है, तो 5-6 लाख वहां से आ जाता है।
एक सेकंड, सेलिंग प्राइस क्या है आपका? एवरेज एओवी नेट ऑफ जीएसटी 2000 रुपीस। और इसमें आपकी मार्जिन्स वगैरह क्या है डिफरेंट चैनल्स की? कॉग्स, इनवर्ड और आउटवर्ड लॉजिस्टिक्स मिला के हमारे पास जो बचता है वो है 57%। ओके। उसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट, कस्टमर एक्विजिशन पे हम स्पेंड करते हैं करीब 609 आगे चलते रहिए। हाँ, कर दीजिए राइट टू द बॉटम। तो ये टोटल पुट टुगेदर 40% आ जाता है। CM2 बनता है करीब 630 रुपए। उसके बाद तो एबिटा लॉस करीबन -20% है। मुझे 12.5 लाख का जो आपका स्टोर है, हाँ, उसके इकोनॉमिक्स बताओगे क्या रेंट है? 1,25,000 रेंट है। ओके। उसके अलावा इंफ्रा, कैम, ये सब मिला के मैं और 25,000 रुपए जोड़ता हूँ महीने के उस पे। अच्छा। एक लाख रुपए की सैलरी है, 9,900 रुपए का लाइट बिल है। और कोई खर्चे हैं? और हमारा बलून्स, हम हर एक बच्चे को जो हमारी दुकान से 3 लाख का खर्चा मान लेता हूँ स्टोर चलाने का। 3 लाख का, तो 12 लाख। देखो ये सब क्यों करते हो आप? ये जो छोटी छोटी चीजें करते हो आप अपना नैरेटिव घुसाने के लिए, एक इररेलेवेंट सी कॉस्ट को घुसाना टू इंडिकेट कि देखो मुझे अपने नंबर अच्छे पता है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है। आई नो, पर ये मार्केटिंग टूल को आपने घुसाया इन अ यूनिट इकोनॉमिक्स कॉन्वर्सेशन सो दैट द कॉन्वर्सेशन गोज टुवर्ड्स दैट। यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द नैरेटिव बट व्हाट्स रॉन्ग इन इट? नो, आई एम ऑल्सो गेटिंग अ लिटिल इरिटेटेड विद दिस। फ्रॉम नाउ ऑन ट्राई क्रिस्पो टू द पॉइंट जवाब दो। मुझे स्टोर का प्रॉफिट बताओ कितना है? 1,50,000 था। तो एक बार मैं मोटा मोटी समझता हूँ, 12 लाख में आपका करीबन 50% तो कॉस्ट आ गया, 6 लाख कॉस्ट चला गया स्टोर के गुड्स का। 6 लाख में से 3 लाख के आपके खर्चे निकल गए जो आपने मुझे बताए, तो 3 लाख रुपए और बच गए। जी। तो 12 लाख में आप कह रहे हो 1.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, तो बाकी 1.5 लाख कहाँ जा रहा है? इसलिए मैंने बलून के बारे में बोला था, क्योंकि हम ऑलमोस्ट एक वीकेंड पे 1,000 से 2,000 बलून उड़ाते हैं। ठीक है, तो हम वो तो 1.5 लाख रुपए मार्केटिंग में जा रहे हैं। तो मोटा मोटी योर स्टोर, योर स्टोर इज ऑपरेटिंग रफली एट अबाउट 10% एबिटा। करेक्ट। और हर महीने सेल बढ़ रही है? हाँ जी। पहले महीने क्या सेल थी? 8 लाख रुपए की सेल, और अभी 12 लाख पे पहुंच गई। जी। आपका 7 करोड़ का सेल्स है, तो 80 करोड़ क्यों मांगा आपने वैल्यूएशन? मैंने इसमें सिर्फ B2C सेल्स की बात करी है। हमने लास्ट ईयर B2B में स्कूल शूज में भी काफी काम किया था, एक ऑर्डर लिया था, वो स्कूल दोबारा रिपीट कर रहा है वो ऑर्डर, और ऑलरेडी हमारे पास POs हैं करीबन 10,000 पेयर्स के। तो आप कितने सेल्स पे एग्जिट करेंगे ये साल? 10 करोड़ के ऊपर। तो 10 करोड़ भी अगर हुआ तो 8 टाइम सेल्स क्यों मांगा आपने? अभी तक कितना हुआ? ये साल में ईयर टू डेट हम 3 करोड़ कर चुके हैं। ये 4 महीने बाकी है, आपको पता है? जी। और 7 करोड़ और कर लोगे? जी। इम्पॉसिबल। बट एनीवे, मैं ARR की बात कर रहा था, मैं सॉरी, ये क्लियर कीजिए, आई एम सो सॉरी, ARR की बात कर रहा था। ARR यानी एनुअल रेवेन्यू रन रेट एक फाइनेंशियल मेट्रिक होता है, जहां आप मंथली रेवेन्यू लेकर अगले 12 महीने के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाते हैं। ये एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे आप यंग कंपनीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का अनुमान लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मंथली रेवेन्यू है 10 लाख, आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ और ARR बन गया 1.2 करोड़। आपका एक्चुअल सेल्स वो FY24 कितना होगा? 6.5-7 करोड़ पे क्लोज करें। तो 7 करोड़ मतलब 11 टाइम सेल्स क्यों मांगा आपने? मैं करंटली एक राउंड रेस कर रहा हूँ जो बताइए, जो 6.5 करोड़ का है और उसमें ये 80 लाख ऐड होगा, तो जो बाकी का कमिटमेंट है दैट इज एट 80 करोड़ वैल्यूएशन, दैट इज एट प्री मनी 72, अगर उसमें 6-8 करोड़। कुछ अल्ट्रा HNIs हैं जो काफी कितने की कमिटमेंट हो गई 6.5 करोड़ में? 4 करोड़ के चेक्स मुझे मिले हैं HNI से, जो कि मिल गए, कैश आ गया बैंक? नहीं, बैंक में नहीं आया। चेक्स मिले का क्या मतलब होता? मतलब हम वो राउंड क्लोज कर रहे हैं करीब 25 दिसंबर को। तो क्या है कमिटमेंट है कि चेक आ गया? इज इट इन द बैंक? कमिटमेंट है। कोई कोफाउंडर्स है? मेरे साथ मेरी एक कोफाउंडर है, शी जॉइंड अस 1.5 ईयर्स लेटर। कोफाउंडर है सच में कि एम्प्लॉई? नहीं, शी इज ऑन ESOP। मैंने 8% कमिट किया है उसको। सच सच बताया जी? Is she a co-founder or not? She's a founding member. क्या बंदा है यार तू?
भाई यार कोफाउंडर और फाउंडिंग मेंबर में फर्क होता है भाई साहब, अगर ये भाई से नहीं पूछते तो तू बताता ही नहीं। तुम यार पिसलते रहते हो यार, क्या बात क्या है यार, नर्वस हो क्या है? मतलब नर्वस नहीं है, ओवर स्मार्ट। रीड की हड्डी नहीं है, ओवर स्मार्ट। हर क्वेश्चन में तुम ये कोशिश कर रहे हो कि सामने वाले को सुनना क्या है, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, नॉट व्हाट इज द ट्रूथ। व्हाई आर यू ट्राइंग टू गेज कि मुझे क्या सुनना है? नहीं, मैं आपसे इतना सिंपल सवाल, कोफाउंडर है अगेन, आपने तीन डेफिनेशन दे दिए उसके। मेरे को बंदा तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, मेरे को तो नौटंकी लगा बहुत बड़ा। तूने किसी की नहीं सुनी, कान ऐसे नहीं, तो ऐसा पकड़ रहा था। I'm not saying you might not do well, you might be the next Crocs or the next Nike, I don't care, but you and I can't relate to each other for some reason. Thank you so much. I'm also out of this, I'll tell you why. आज आपकी Shark Tank पे डील होगी, जैसे हमारी डील हुई। आप अब मेरे पास आए थे तो आपका रेवेन्यू नहीं था, यू वर प्री रेवेन्यू, राइट? प्री रेवेन्यू मैंने आप पे 1 करोड़ रुपए, जो मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, बेट किया और मैंने कहा मुझे 10% इक्विटी चाहिए। You were fixated कि नहीं नहीं मेरे को तो 15 करोड़ चाहिए, and you found some HNIs, ultra HNIs. हम तो शार्क हैं, हमें पता है कैसे चलता है। On zero revenue, I gave you 1 crore. अब of course यहाँ पे भी आप डील करेंगे, डीडी में टाइम लगेगा, 1.5-2-3 महीने लगता है, राइट? इस दौरान आपकी सेल हो गई 60 लाख से 80 लाख, राइट? अब आपने वो राउंड नहीं क्लोज किया, ठीक है, चलो आपकी सेल हो गई तब तक 15 लाख, फिर भी 2 करोड़ पे आई वॉज गिविंग यू 5 times रेवेन्यू, जो शार्क टैंक के हिसाब से बहुत अच्छी वैल्यूएशन है। यू सेड अब मुझे कम पैसे चाहिए, आई एग्री टू कम पैसे, फिर भी यू डिडंट क्लोज इट। अब यहाँ पे आप डील करोगे फिर जाएंगे आपको कोई अल्ट्रा एचएनआई दे देगा 80 करोड़ पे, फिर आप यहाँ पे बोलोगे डील कम हो गई। तो ये जो बात अमन ने बोली है ना, प्रॉब्लम घूम फिर के वही आ रही है कि यू हैव टू समवेयर स्टिक टू बी ऑथेंटिक, बट आई एम आउट। शूज जो है इसका डिसीजन मेकिंग हैज गॉन टू अ लार्ज एक्सटेंट फ्रॉम पेरेंट्स टू किड्स। ओके, बच्चों को इतना कंफर्ट या लॉन्जेविटी के 3 साल चले, 3 साइजेस चले में इंटरेस्ट नहीं है जी। उन्हें या तो वो सुपरमैन चाहिए या लाइट्स चाहिए या फिर स्पोर्ट शूज चाहिए। तो आई थिंक इसका एबिलिटी टू स्केल में मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फ्रॉम अ कंज्यूमर माइंडसेट पर्सपेक्टिव, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू। जो आप प्राइसिंग पे बैठे हैं आज 2500 रुपए, मतलब मैं तो 700-800 में खरीद लेती हूँ, एंड क्योंकि अलग अलग डिजाइन आ जाते हैं, तो अगर मेरे में 3 जूते आ जाएंगे इतने में, तो ये जो यूटिलिटी वाला एंगल है कि ग्रोइंग फुट के लिए, वो इतना यू नो इट मे नॉट मेक सेंस। तो फाइनली दिस बिजनेस जो है वो बॉयल डाउन कर जाएगा डिजाइन एंड कितने गुड लुकिंग फैशनेबल जूते आप बना पाएंगे जी। पर आपकी मेकिंग कॉस्ट बहुत हाई है, 600-700 रुपए में आप बैठे, लॉन्ग टर्म में चैलेंज होगा, पर शायद आपका EBO स्ट्रेटजी वर्क करे, पर आज मैं इसमें बैठ नहीं ले पाऊंगी, तो फॉर दैट रीजन। जो वो सत्यजीत था ना जिसने टॉयलेट सीट बनाई, वो आज ही वो सत्यजीत नहीं है जो सामने, दैट्स द प्रॉब्लम। आपको जाना है वापस वही सत्यजीत के पास जी। आज द वर्ड ऑफ द ईयर इज ऑथेंटिक जी, और वही आप लूज कर दिया। आई एम आउट एंड गुड लक। थैंक यू सो मच। चलिए बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, वो चीजें बता नहीं पाया जो मैं बताना चाहता था। एक तरीका भी होता है बोलने का, जो मेरा तरीका है शायद, तो शायद वो फिट नहीं हुआ होगा शख्स के साथ। जूते बेचता है लेकिन हवा में उड़ता है। सच्चा होना बहुत जरूरी है। आज तुम हमारे सामने सच्चे नहीं होगे तो तुम आगे अपने डॉक्यूमेंट्स में सच्चे होना हो मुझे नहीं पता। अगर आप फिर आगे जाके आप कस्टमर्स को कुछ प्रॉमिस कर रहे हो, आप सच्चे होना हो, तो ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनलिटी में मैं बहुत बिलीव करता हूँ, और वही मुझे लगा कि थोड़ी सी कमी थी वहाँ। शार्क्स, बूमर्स से लेकर मिलेनियल्स तक, मिलेनियल्स से जेन जी और अब जेन अल्फा, इनमें सिर्फ नाम ही नहीं बदला है पर बच्चों का बचपन भी काफ़ी बदल चुका है। अगर हम आजकल के बच्चों की बात करें तो वो स्टोरी बुक से ज़्यादा स्टोरीज, प्लेग्राउंड से ज़्यादा प्ले स्टेशन
और रियलिटी से ज्यादा वर्चुअल रियलिटी में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे में उनकी एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ गए हैं, उनके सोचने की क्षमता कम हो गई है और उनका अटेंशन स्पैन भी कम हो चुका है। तो ऐसे में हम अपने बच्चों की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को कैसे बढ़ाएं? इसका जवाब है कलाकर्म। हाय शार्क्स, मेरा नाम चैतन्य मल्होत्रा है, मैं गुड़गांव से आया हूँ और मैं कलाकर्म का फाउंडर हूँ। कलाकर्म में हम बनाते हैं यूनिक DIY किट्स जो बिगिनर पेंटिंग एक्टिविटीज से लेकर एडवांस क्राफ्ट एक्टिविटीज को कवर करती हैं। जितने भी हमारे उसूल हैं कलाकर्म में, दे आर बेस्ड ऑन आर्ट इज थेरेपी। आर्ट इज अ टूल थ्रू विच बच्चे अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकते हैं। हम बनाते हैं 4 से 14 साल के बच्चों के लिए DIY किट्स जो ना सिर्फ उनको कुछ एंगेजमेंट की एक्टिविटी देती है बल्कि उनका सेल्फ एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को भी बढ़ावा मिलता है। शार्क्स, आज 1.5 साल में हमने लगभग 350 से ज़्यादा ऑफलाइन स्टोर्स में अपनी जगह बना ली है। हमारी किट्स ऑनलाइन चैनल्स जैसे Amazon, Flipkart और हमारी खुद की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। शार्क्स, हमारा सपना है कि हम हर बच्चे तक हमारी DIY किट्स पहुँचा सकें और उनके अंदर के कलाकार को बढ़ावा दें। माई आस्क इज 50 लाख्स फॉर 2.5% ऑफ माई कंपनीज इक्विटी। तो चलिए शार्क्स, मिलकर हर बच्चे के अंदर छुपे कलाकार को एक नई डायरेक्शन दे। तो आपको क्या खिलौनों का शौक है या आर्ट का शौक है? इट गोज बैक 50 इयर्स। जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट में रॉ मटेरियल्स लगते हैं उनका मेरे ग्रैंडफादर का बिजनेस रह चुका है फ्रॉम द लास्ट 50 इयर्स। सदर बाजार दिल्ली में हमारा होलसेल का काम है इन चीजों का। किन चीजों का? स्टेशनरी की दुकान में छोटा सा सेक्शन होता है आर्ट एंड क्राफ्ट का, जहाँ पे मिक्सचर पड़ा होता है बहुत सारे अलग अलग रिबन्स, अलग अलग थ्रेड्स, अलग अलग वैरायटी ऑफ मटेरियल का। और 50 साल मैंने मैंने 50 साल इस पे काम किया है एंड आई गॉट अ चांस टू टेक इट फॉरवर्ड। आपके जो दादा थे जो चांदनी चौक में बिजनेस, उसमें क्या बोलते हैं, गद्दी बोलते हैं, गल्ला बोलते हैं? गल्ला बोलते हैं सर। गल्ला बोलते हैं। आपका मन नहीं करा गल्ले पे बैठने का? सर मेरा मन था, बहुत था, और क्योंकि मैंने उसी बिजनेस को आगे फॉरवर्ड किया तो ही वॉज वेरी प्राउड और ही इज नो मोर एनी मोर एंड दैट वॉज द रीजन कलाकर्म केम इन टू बींग बिकॉज राम इज माई ग्रैंड फादर्स नेम, रामनाथ मल्होत्रा, एंड कमल इज माई फादर्स नेम। ग्रेट यार, मतलब आजकल इतना अपने फादर और ग्रैंडफादर से लगाव रखना कि उनके नाम से बिजनेस करना इज कमेंडेबल बॉस। थैंक यू सो मच। सर आई वुड जस्ट लाइक टू डेमो वन प्रोडक्ट इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड। मैं आती हूं। प्लीज प्लीज कम। आई एब्सोल्युटली लव आर्ट। आई प्लीज सर। सो दिस इज द मंडाला आर्ट कोस्टर्स किट। दिस इज हाउ यू गेट द बॉक्स। ओह वाओ, सो 6 कोस्टर्स आर देयर, देयर इज अ स्टैंड टू कीप द कोस्टर्स। ये बहुत ट्रेंड स्टार्ट हुआ है आजकल मंडाला आर्ट। मेरे सारे फ्रेंड्स मंडाला, वी वर द फर्स्ट मूवर्स इन द मार्केट, कर रहे हैं मंडाला आर्ट। प्रोडक्ट्स तो अच्छे लग रहे हैं आपके। थैंक यू सर। ओ, नमिता इज डूइंग अ गुड जॉब। आई एम वेरी गुड एट आर्ट, इज वेरी रिलैक्सिंग। तो आप ये लिप बाम किट ये वो सब बेचते हो? मैम, आई हैव सैंपल्स, आई वुड लाइक टू शो यू गाइस। यस यस, आई वांट टू सी द सैंपल। सर दिस इज योर बॉक्स। Ma'am, this is the lip balm kit. Thank for you, you specifically. Love it. This is a you. Kettle painting kit. So it's a dot mandala on kettle. We have an aluminium kettle inside this. Wow. 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 आपने इनोवेटिव चीजें बनाई हैं। थैंक यू। ये प्रोडक्ट्स जो आप बना रहे हैं, ये एक ऐसी चीज है कि मैंने एक बार करी जी, उसके बाद ये रिपीट तो होगा नहीं। अभी जैसे आपने मुझे एक केटल दिया, correct. अब केटल को एक बार पेंट कर दिया, आपको उसको धोएगा तो है नहीं। मोस्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, आप उसे जो भी बनाते हैं, दैट हैज एन एंड यूजेज टू इट। केटल कैन बी यूज्ड टू सर्व द टी। वो मैं समझ गया। और उसके अलावा जो इसका सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि आप जो भी अपने हाथ से बनाते हो ना सर, उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। यस, यू चेरिश इट। आप टेक अ मोमेंट। वाओ, टेक अ मोमेंट। आपके कॉस्ट्यूम से मैचिंग है ये। सिंड्रेला हमारे लिए भी बना दो थोड़ी सी। well done, नमिता। तो ये जो कंदील है, लैंटर्न है, लैंटर्न, इसका प्राइस है 1500 रुपए। जी सर, इसके अंदर 5 एक्टिविटीज है सर, एक नहीं है। लेकिन अगर मुझे ये खरीदने हो जी, तो ये तो 50-50 रुपए में, उससे भी कम में मिलेंगे मार्केट में? नहीं सर, क्राफ्ट में क्या है कि हर मटेरियल का ग्रेड होता है और ABCD ग्रेड तक सामान मिलता है। मैंने जो भी यूज किया है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी। आई अंडरस्टैंड, हर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है कि यू हैव टू हैव बेस्ट क्वालिटी जी। जब ये कैटेगरी की प्राइस पॉइंट 500, 600, 700 है, आप उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं 1500 रुपए प्राइस पॉइंट पहुंचा के। आई डोंट
थिंक सो. ये बहुत इलैबोरेट वाला इसमें देखो ना क्या क्या है. आई एग्री विद अनुपम. मैं आपको बता दूं, हम क्रॉफर्ड मार्केट गए जी. अभी ये जो मैंने बनाया है इसका प्राइस क्या है? Nanda's 899 for 6 coasters, all wooden. अगर आप क्रॉफर्ड मार्केट जाएंगे, मैं बहुत बार वहां जाती हूं टू गेट माय रिटर्न गिफ्ट. सो यू नो फॉर किड्स प्ले डेट्स आई गेट बॉक्सेस. मे बी प्रेजेंटेशन में पैकेजिंग इतना फैंसी नहीं होगा, बट अंदर के जो कॉन्टेंट्स है यू गेट प्रिटी मच दैट क्वालिटी एट क्रॉफर्ड मार्केट. कितने का? वहाँ भी 500-600 का तो मिलेगा. क्रॉफर्ड का कंपटीशन ही नहीं है. दे आर ट्राइंग टू डू एट होम अमेज़न पे ब्रांडेड. बट यू गेट दिस डीआईवाई किट्स. नहीं, ये भी तो 200 से स्टार्ट हो रहा है ना. ये देखो, ये वाला जो 1600 का है, इट्स गॉट शेल्स, इट्स गॉट, दिस इज 800. आई नो, बट इट्स गॉट मल्टीपल कंपोनेंट्स इन इट. इट्स नॉट जस्ट वन थिंग. आई थिंक इट्स सुपर अफोर्डेबल. और हैमलीज वगैरह में तो बहुत महंगा हो जाता है. नहीं, ये हैमलीज में इतने का ही बिकता है. सो वी आर इन 120 हैमलीज स्टोर्स अक्रॉस द नेशन. वी आर इन क्रॉसवर्ड स्टोर्स एज वेल. अच्छा, तो अभी आप ऑफलाइन बेचते हो? ऑनलाइन मेरा 90% इज ऑफलाइन, 10% ऑनलाइन है. ऑर्गेनिकली अमेज़न के थ्रू जितना होता है. DIY मार्केट, क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स फॉर 4-14 बताया आपने जी. मार्केट साइज इंडिया में कितना है? बाय 2025 इट्स अबाउट 4000 crores. इसमें से सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है? स्मार्टिविटी है, इमेजिनेक है, दे आर स्टेम फोकस्ड ब्रांड्स. 4000 crore में से काम कीजिए, आप वो स्टेम वाला निकाल दीजिए, आप वो नहीं कर रहे. मेरे को सर वो नंबर नहीं पता. कोई भी ब्रांड ध्यान में आ रहा है, इंपोर्टेड और इंडियन, दैट इज लार्ज? Inclo is a brand which is imported from the US. कितना धंधा होगा इंडिया में उसका? नहीं सर, मेरे को इसका नंबर नहीं. प्राइस पॉइंट उसका कितना होगा? About 1200 rupees on an average. इंडियन ब्रांड का प्राइस पॉइंट एवरेज कितना होगा? 600 rupees. 600 जी. आपकी सेल क्या? September में we did 42 lakhs. Wow. Not bad. October में we did 45 lakhs and November we closed on 50 lakhs worth of billing sales. Good job. Very good. Very good. ये तेरी कब से स्टार्ट हुई थी कंपनी? सर कंपनी स्टार्ट हुई है 2022 मार्च में हमने बनाई थी और 2022 अगस्त में वी वेंट टू मार्केट. फर्स्ट ईयर में टोटल तूने कितना वो किया था? सर 6-7 महीने ऑपरेशंस में हमने अबाउट 1.5 CR पे क्लोज किया था. और इस साल कितना क्लोज करोगे? 5 पे कब क्लोज करोगे? वेरी नाइस. 5 CR. मेन आपको क्या लग रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हुआ? आपने डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक करी है? मैंने पहले डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करी है अपनी, लोकल जनरल ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन. जाके अपने जी, मैंने जाके हमने B2B एग्जीबिशंस करी हैं. जितने भी टॉयफर्स होते हैं इंडिया में, जितने भी जहाँ पे भी हम हमारे को मौका मिल सकता है अपना शोकेस करने का, हम वहाँ जाते हैं. मैं जाता हूँ पर्सनली. और उसके बाद जितने भी बड़े चैनल्स हैं जैसे हैमलीज हो गया. प्रॉफिटेबल हो? जी सर. ये धंधा तो आता ही है. कितना प्रॉफिट है? 23% नेट मार्जिन फ्रॉम द बिलिंग. 50 लाख जैसे पिछले महीने आपकी 50 लाख की सेल हुई तो आपका 10 लाख प्रॉफिट है? जी प्रॉफिट है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं बच रहा अभी, बिकॉज़ वी आर रीइन्वेस्टिंग राइट नाउ. वर्किंग कैपिटल. आप एक बार ब्रेकअप कर सकते हैं 50 लाख के लिए? 35% मेरा जनरल ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसमें मेरे 24 डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं. तो 15 लाख रुपए मान लेते हैं. फिर आ जाता है हैमलीज जो अब 45% ऑफ माय बिजनेस है. 25 लाख रुपए हैमलीज के मान लेते हैं. ऑनलाइन ई कॉमर्स पे हमारा कुछ 3-5 लाख का धंधा होता है. 5 लाख का ऑनलाइन जी. तो और फिर मिसलेनियस हो जाता है. कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी किए हैं हमने. पर यार एक बार बताओ, 20% कैसे बच रहा है आपको? हैमलीज में तो कुछ बच नहीं रहा होगा. बच रहा है सर. हैमलीज में हमारा 23% निकाल पा रहे हैं जी, क्योंकि मेरा एवरेज बिलिंग प्राइस 1000 रुपए है, क्योंकि मेरी क्रिट्स महंगी है और वो बिकती है क्योंकि वी स्टैंड आउट, आवर क्वालिटी स्टैंड्स आउट. वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू सर. मैं जैसे अपने बच्चे के लिए वो लेता हूँ, हैमलेस जाता हूँ, टॉयज उठा लेता हूँ, वो मुझे उसमें फर्क नहीं पड़ता. मैं कभी नहीं देखता ब्रांड जी, कभी नहीं देखा मैंने कौन सा ब्रांड है, बस जो आ रहा है वो ले लेता हूँ. तो इस कैटेगरी में ब्रांड का फर्क पड़ता है? सर हम पढ़ाएंगे ना. हाँ मतलब अभी तक नहीं पड़ता. वो अनब्रांडेड कैटेगरी है ना? अभी तक नहीं पड़ता ना. अभी तक नहीं पड़ता क्योंकि इंडिया में सर 20 साल से स्टैग्नेंट है ये मार्केट. मैंने 7 साल रिसर्च करके ये प्रोडक्ट्स डाले हैं मार्केट में. रिपीट आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर? जी सर, रिपीट आ रहा है. अब 1.5 साल हो गया. चैतन्य, मैं एक करेक्शन करना चाहूंगी. यस मैम. आई टेक माय वर्ड्स बैक. क्रॉफर्ड मार्केट में ये वैरायटी, ये क्वालिटी, आई मीन आई वाज अमेज्ड. आपके पास साइंस प्रोजेक्ट्स हैं? यस. That is also Indian art. जहाँ you're getting yes. people reconnected to Indian art. जी. Things like bath salts. जी. वो जो macrame और सब. मैंने ऐसी variety कहीं नहीं देखी. Thank you, ma'am. और really मैं बहुत इसका shopping करती हूँ. So I take my words back. आपका addressable market मतलब आपको idea नहीं है आज, लेकिन छोटा लग रहा है थोड़ा. हो सकता है. इसको बढ़ाने की क्या
क्या प्रयास करोगे आप? व्हाट अदर कैटेगरी? वेरी बिग विजन. मैं डीआईवाई के सेंटर्स और कैफेज बना जाता हूं वेयर पीपल विल कम डाइन वाइन एंड प्ले. वाइन ये यूएस में बहुत बड़ा है. आर्ट एंड वाइन इन यूएस इज अ ह्यूज मार्केट. आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट. क्या है कांसेप्ट बताना? आर्ट पार्टीज होती है कि आप कुछ आप आती जैसे कॉर्पोरेट में होता है कि आपको एक्टिविटीज कराई जाती है कुछ नया करने के लिए, टीम एंगेजमेंट के लिए. हम कराएंगे इन अ फैमिली और अ मोर familiar or a cool environment. We will have workshops, we will teach something new, they will go with something new and maybe even, you know, adapt that hobby. So that's my vision. Mere paas yahi advantage hai ki main ek limitation mein nahi chalta. I can go in any direction I want. You are open. Yes. To becoming a toy company. We are a toy company only, sir. You are a toy company. Yes, sir. और आपका GTM है art and craft. जी. बाद में आप अलग categories में expand करेंगे. जी. आपका एक grander vision है. To maybe open cafes, yes, and so on and so forth. Yes. तो जरा टीम में बताइए कौन है आपकी, because आप सब कुछ करते हैं. No sir, मैं सब कुछ नहीं करता. आप impressive भी हैं. नहीं. तो आपकी टीम में कोई है एक दो लोग? Yes sir, my father. तो वो भी involved है इस business में? जी sir, he is a 50-50 partner in the business. और bootstrapped है? I am all bootstrapped, sir. He is the CEO, you are the CEO. I am the CEO, sir. Who comes up with these ideas? Rose नए ideas सोचना. Sir, ये मेरा काम है. मैं आई एम अ बफ व्हेन इट कम्स टू डिजाइन. डिजाइन इज माय सेकंड लव आफ्टर माय वाइफ ऑफ कोर्स. आई लव माय लाइफ, आई लव माय वाइफ. गेट सम पॉइंट्स. वेल डन. तो क्या मोटिवेट करता है जब तूने चांदनी चौक से निकला और अपना बिजनेस शुरू किया, तो तेरे को मोटिवेट क्या किया? सबसे बड़ी मोटिवेशन थी सर, मेरे दादाजी के साथ जाता था मैं गाड़ी में जब मैंने स्टार्ट किया था. मेरे को किसी ने पूछ नहीं किया कि नहीं तू आ गल्ले पे बैठ या तू कर काम. और ये एक क्लीशे भी है, जब हम कॉलेज में लौंडों से बात करते हैं तो उनके दिमाग में अच्छा बाप का बिजनेस है तो ये वो है दिल्ली में है ये. तो सर ये है एक क्लीशे. पता नहीं फ्रॉम बैक ऑफ माय माइंड में मेरे शायद था, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ करूंगा. आई विल वर्क इन अ कॉर्पोरेट बट आई थिंक मैं उसके लिए नहीं बनाऊ. जब मैंने जाना शुरू किया इट ओपनड अ वर्ल्ड ऑफ आइडियाज टू मी. मेरे लिए कलाकरम सिर्फ एक ब्रांड या एक कंपनी या वो नहीं है, मेरे लिए लेगेसी है. चैतन्य, चलिए सुनिए 50 लाख फॉर फोर्स. लेट द गेम्स बिगिन. देखिए मैं भी आई थी यहाँ पे सोची कि मैं ये नहीं कर सकती कैटेगरी एंड बट आपका नाम लोगो फैंटास्टिक. आपने इस कैटेगरी में सोचा मैं हाई ग्रॉस मार्जिन में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दूंगा. Which is the only way to build brands. Yeah. So that's Thank phenomenal. You. Thank you so ja much. Ke general trade crack karna, which is where real India shops yes. and wo dhakke khana distributors. Yes. It is phenomenal. Thank it's you. Just that ye kitna bada banega and isme valuation kahan tak stretch kar sakte. Bahut bada banega, ma'am. Whatever I was thinking is not gonna make sense. So ma'am, I just don't want to get into it. So love Thank your you energy, so love what you're doing. Thank you so much, ma'am. But aaj main out hoon. यार आप एग्जिट कैसे देंगे इन्वेस्टर्स को, मुझे ये जानना है आपसे. सर 100 करोड़ का ब्रांड बनाऊंगा. और फिर क्या करेंगे आप? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं बचपन से शार्क टैंक देखता हुआ बड़ा हूँ. अभी भी मेरे को लग रहा है कि मैं शायद अपने दिमाग में या सोते हुए पिच कर रहा हूँ. इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. यस इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा कि मेरे को नहीं पता एग्जिट कैसे देते हैं, मेरे को ये भी नहीं पता. मैं एंटरप्रेन्योरियल और क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट सर्किट्स और D2C उनसे हुई नहीं. The best answer for an exit is what you just gave. Absolutely. Because Brilliant. Founders who don't think about exit gives the best exit. So main aapko same offer I don't want you to exit, sir. Yeah, well said. Main aapko same offer deta hu jo Namita ne diya, 50 lakh, 5%. Can you three of you do it together? Kya karna hai? Sir, अरे इसका सुनो ना, अमन ने भी देखा. आउट अमन सर, प्लीज कम टुगेदर, आई वुड लव टू हैव यू. तो मैं तेरे को एक सिंपल ऑफर देता हूँ, मैं किसी के साथ नहीं आ रहा, मैं भी अकेला करूंगा. सोलो मेरे को अपने टाइम की वैल्यू है और मुझे लगता है मैं अकेले कर सकता हूँ. तो जो अनुपम ने दिया 50 लाख फॉर 4%, सेम ऑफर मैं तेरे को देता हूँ. थैंक यू सर. Anupam and Piyush, do you want to do it together, three I'm of okay us? I'm okay doing it. Kitna milega nahi zyada equity? 60 lakh 6%, 2% each. Can we do it for 5, sir? No, sir. Aapko equity kam deni hai 6% se kya kya? Sir,
आई डोंट थिंक मैं कभी भी इसके बाद रेस करूंगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको। इसी से कमा के इसी में डालूंगा, मेरे लिए वो विजन है। मैं रेसिंग गेम में ना जाना चाहता हूँ, ना हूँ, ना बनूंगा उसको। मैं देखो अकेला दे सकता हूँ 60 लाख 6%, अकेला आ सकता हूँ, इतने पैसे लगा सकता। आप प्लीज साथ में आ जाओ। साथ में क्या उखाड़ लेंगे सर? मैं जो अकेला कर सकता हूँ कुछ नहीं कर सकता। ओहो, कॉन्फिडेंस। अकेले मैं भी कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि हम जो साथ में कर सकते हैं वो अकेले नहीं होएगा सर। ठीक है, अच्छी बात है। सो अनफॉर्चुनेटली मैं अभी इससे आउट हो जाता हूँ। इन तीनों के साथ जा, मैं इस डिसीजन से आउट क्योंकि मैं अकेले जाना चाहता हूं। आई रिस्पेक्ट दैट। थैंक यू सो मच। तो चलो, आपके पास एक सिंगल ऑफर है, 60 लाख 6%, नमिता अनुपम एंड आई। डन सर। ऑल राइट, गुड जॉब, यू हैव अ डील। गुड जॉब, अमेजिंग काउंटर। आई जस्ट वांट टू थैंक यू सो मच मैम। Love your work. This is my gift to you. क्या लिखा है मैंने पढ़ो। चैतन्य, I mean, ये मेरा expertise है। Love it. क्या drama चीज़ है आप बेच। All right. Thank you so much. नाभी यानी कि बेली बटन, पता है? हमने देखा है, आपने देखा है वो? गहरी और गोल नाभी। सो उसी पुराने परसेप्शन को भुला के उसको थोड़ा सा और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला गोल और गहरी। बचपन में जब हमें पेट में दर्द होता था, हमारी दादी आके वहाँ पे हींग का पेस्ट लगाती थी और दर्द को गायब कर जाती थी। और आयुर्वेदा के अनुसार हमारी 72,000 नाड़ियाँ नाभि से जुड़ी हुई होती है और वहीं पे थिनेस्ट लेयर ऑफ द स्किन भी पाई जाती है, इसीलिए वहाँ से एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सकता है। इसी हमारे विज्ञान को, हमारे आयुर्वेदा को आगे बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया नाभि सूत्र। नमस्ते, मैं हूँ स्वाति वखारिया, फाउंडर ऑफ नाभि सूत्र वडोदरा से। नमस्ते शख्स, मैं हूं वैभव शाह, को-फाउंडर नाभि सूत्र। नाभि सूत्र में हमारे पास 9 प्रकार के आयुर्वेदिक बेली बटन ऑयल्स हैं, जो हेयर केयर, स्किन केयर से लेके डाइजेशन और जॉइंट पेन जैसी तकलीफों के लिए सहायता देते हैं। हमारे सारे ही ऑयल्स आयुर्वेदिक डॉक्टर की हेल्प से फॉर्मुलेट किए गए हैं। ये 100% नेचुरल है, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं और हमारे सारे ही प्रोडक्ट्स आयुष और FDA अप्रूव्ड है। हम 4 सालों से नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पे काम करते आए हैं और तकरीबन 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया है। हमारा विजन है कि आयुर्वेदा और इंडियन कल्चर के इन छिपी हुई रेमेडीज को बाहर निकाले और ना ही सिर्फ इंडिया में पर पूरी दुनिया तक पहुँचाए। इस विजन में हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी आस्क है 60 लाख अगेंस्ट 3% ऑफ आवर कंपनी। तो शख्स, क्या आप तैयार है इंडिया के रूट्स को हमारे साथ आगे बढ़ाने के लिए? स्वाति एंड वैभव, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। और मैं खुद की बात करूंगी, आई एम अ वेरी बिग बिलीवर इन आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी दोनों। आयुर्वेदा में सबसे बड़ा गैप है क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट का, इसलिए इट्स नॉट टेकन ऑफ। तो आप बताइए कि हम आपको क्यों ट्रस्ट करें, आपकी इसमें एक्सपर्टीज क्या है? एज ए न्यू मदर, जब मैं खुद के प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी हेयर केयर स्किन केयर लेके, और मुझे आयुर्वेदा पे ज्यादा ट्रस्ट था, तब मुझे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने थे और तब मुझे ये बेली ऑयलिंग के बारे में पता चला था। लेकिन जब पता चला तो मैंने मेरे भाई कजिन है जो कि MD इन आयुर्वेदा है, तो मैंने उनको कंसल्ट किया कि अगर आयुर्वेदा में ऐसा लिखा गया है तो ये कितना इफेक्टिव हो सकता है, और तब मुझे पता चला कि वो वाकई में काफी इफेक्टिव है। मैंने खुद पे आजमाया, मेरी डॉटर के लिए भी मैंने आजमाया और फैमिली मेंबर्स में भी बहुत सारे लोगों को हमने सैंपलिंग की। तो इस तरह से धीरे धीरे हमने जाना कि इसके बेनिफिट्स जो दिए गए हैं वो एक्चुअल में हमको दिख रहे थे, और हमने फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी हमारी पैनल में ऐड किए हैं। आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? ये मेरे नंदोई हैं। ओह, नंदोई क्यों होता है? मेरे सिस्टर इन लॉ का हस्बैंड। ये रिकॉर्ड है,
आई थिंक शार्क टैंक में पहली बार नंदोई के साथ बिजनेस वाला पिच आया है एंड आई थिंक अगले 5 साल में भी शायद देखने को इतना नहीं मिलेगा. अमेजिंग, रियली गुड कॉम्प्लीमेंट. देन एक बात बताइए कि ये जनरली बेली बटन के थ्रू जाता है, कोई एंट्री पॉइंट है? क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ पूरा सील्ड है बेली बटन, क्योंकि जब मैं छोटा था ना और बहुत बच्चों को होते हैं थोड़े वर्म्स होते थे तो नानी वो हिंग की वो नाभी पे लगाती थी, वो हिंग का, क्योंकि वो खुजली होती थी यार. पर हींग तो गैस के लिए लगाता है, वो गैस होती होती है, आप बोल नहीं रहे हो, वो गैस हो रही थी इसलिए नानी ने लगाया, वो हमें पता लग जाता है. आई कैन वाउच फॉर इट. या है प्रॉब्लम है, मैं उससे खराब बात बता रहा हूं. मैं कह रहा हूं दुर्गंध आती है रोज रोज. मैं कह रहा हूं बम में खुजली होती थी, पेट में नहीं. हां वर्म से. आपको वर्म्स हुए कभी? ओह यार कम ऑन, आई डोंट वांट टू डिस्कस. आपको आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है. Can you tell him once and for all heeng digestion के लिए? नहाने की प्रॉब्लम नहाने से ही सॉल्व होगी. कोई तेल लगा लो, कहीं भी लगा लो, नहाना जरूरी है. अच्छा नो, लेट्स कम बैक टू आयुर्वेदा. तो होल है कि स्किन से जाता है, बताइए. नहीं, वो जाता है स्किन के थ्रू ही है. वहाँ थिनेस्ट लेयर ऑफ स्किन पाई जाती है, तो पेनिट्रेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है. सेकेंडली वहाँ पे देर इज समथिंग कॉल्ड लीनिया अल्बा, जो हमारे चेस्ट बोन से लेके हमारे नीचे के बॉडी तक जाता है, विच इज अ कनेक्टिव टिश्यू. सो बेसिकली उस कनेक्टिव टिश्यू के कारण द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग द न्यूट्रिशन फास्टर इज पॉसिबल. अच्छा, तो देयर इज साइंस बिहाइंड दिस. बिल्कुल. ओके, थैंक यू. मे आई प्लीज शेयर आवर प्रोडक्ट्स विद यू? यस प्लीज, प्लीज दिखाइए. स्किन क्या होता है, मैंने अभी अभी पढ़ा है. जैसे आपको एक्साइट किया और नेम, वैसे ही यंगस्टर्स या जो भी दूसरे लोग इनको पढ़ते हैं तो उससे एक खिंचाव होता है. उसलिए कभी कभी सेंसेशनलिज्म इन क्रिएटिंग दैट वो बैकफायर भी हो सकता है. हाँ बिल्कुल हो सकता है. ये प्रोडक्ट सीरियस प्रोडक्ट है कि ये सब गिमिकी चीजें कर रहा है? पर आपने जो स्किन क्रीम दिया है इसका नाभि से कोई लिंक नहीं है? नहीं, ये भी अध्याय. हाँ वो भी नहीं. आपका नाम है नाभि सूत्र. आयुर्वेदा में बहुत सारी कंपनीज आ गई, आपने उसमें एक नीश जगह पकड़ी और एक अपनी आइडेंटिटी बनाने चले. 9 ऑयल्स आपने प्रोड्यूस कर दिए, ओल्ड साइंस पे बेस्ड है. ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको कि आपने क्रीम्स वगैरह लॉन्च की? मार्केट साइज बहुत कम दिखा आपको? या आपको कहीं फ्लैट ग्रोथ दिखी? मार्केट साइज में ऐसा था कि कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन यहाँ पे आगे जाके हो सकता था कि सिर्फ 9 ही प्रोडक्ट में डील करने को मिलता, क्योंकि ग्रंथ में जो सॉल्यूशंस थे वो मुझे इतने ही दिखे थे. अब मुझे प्रोडक्ट्स लिमिटेशन यहाँ पे दिख रही थी कि आगे ग्रो करने में शायद हमको तकलीफ होगी, और अगर कोई दूसरी कंपटीशन ने आगे जाके कुछ किया जो कि बड़ी ब्रांड है तो हमारे पास पूरा ही बेस टूट जाता. यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा, मैं आपको बताता हूँ लेसन. हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था ना बोर्ड, हमने भी ऑडियो नहीं लिखा था, हमने स्टार्ट किया था ऑडियो से, लेकिन हमने कहा था बोट लाइफस्टाइल. तो क्या होता है जब आप लाइफस्टाइल डाल देते हो ना तो आप ऑडियो में रिस्ट्रिक्ट नहीं हुए. अनफॉर्चुनेटली आपने जब नाभि सूत्र नाम रखा ना, योर रिलेटेबिलिटी ऑन नाभि बहुत ज्यादा हो जाएगा. बिल्कुल लिमिटिंग ब्रांड हो गया कि उसको लिमिट कर रहा है. अब आपको बियॉन्ड उसमें जाने में अनफॉर्चुनेटली थोड़ी प्रॉब्लम है. नंबर्स वगैरह बता दो थोड़ा. अगर लास्ट ईयर की बात करें तो हमने 4.5 करोड़ का रेवेन्यू किया है. इसी चीज से? यस यस. वाओ. उससे पहले ईयर में हमारा 1.8 करोड़ था और उससे पहले 1 करोड़ था. और इस साल? और इस साल हमारा अब तक 2.8 करोड़ है. और लास्ट 3 मंथ्स में हमने 50 लाख किया नवंबर में, 35 किया हमने अक्टूबर में, और 30 लाख किया. किस पे क्लोज करोगे? इस साल 5.2 से 5.3 का एक्सपेक्टेशन है. वेरी गुड. आपकी इसमें नंबर्स में प्रॉफिटेबिलिटी का भी बता दो. लास्ट ईयर 4.5 करोड़ पे 4.5 नेट प्रॉफिट था. 20-25 लाख घर में बचे. यस. हां जी. उसके पहले के साल वी डिड 5.5% प्रॉफिट, उसके पहले के साल वी डिड 5% प्रॉफिट, लास्ट 3 महीने में वी आर डूइंग 8% एज ऑफ राइट नाउ. लेकिन आपका जो जंप हुआ 1.8 क्रॉस टू डायरेक्ट 4.5 क्रॉस और उसके बाद 5.3, डबल से ज्यादा हो गया और फिर ऑलमोस्ट फ्लैटिश हो गया, क्यों? क्योंकि इनिशियली हमने जैसे सितंबर में शुरू किया, मार्च में कोविड आ गया था. सो उस टाइम पे हमने बहुत ज्यादा, बीइंग अ बूटस्ट्रैप ब्रांड, मैं बहुत ज्यादा रिस्क लेके उसमें पैसे तब नहीं डालना चाहती थी. तो उसके बाद थोड़े टाइम तक हमने ड्रैग किया इसको और बेसिक इन्वेस्टमेंट से जितना ला सके सस्टेनेबल वे में उसको ग्रो किया. फिर हमने लास्ट ईयर जिस टाइम पे ये बल्क हमारा बढ़ा तब हमने एक छोटा सा 40 लाख का लोन लिया था.
और उस लोन से थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजाइज करके वी कुड रीच टू 4.5 करोड़। सेकंड हाफ क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ कि वो फ्लैट क्यों रहा उसके अगले साल। हाँ, उसके बाद हमने ब्रांडिंग पे भी थोड़ा डाइवर्जन किया, तो हमने एक क्रीम का लॉन्च बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक में किया था, तो तब हमने एक अच्छा सा चंक थोड़ा ब्रांडिंग के ऊपर भी हमने थोड़ा सा खर्चा किया। That doesn't explain flat sales. That doesn't explain flat sale and rising EBITDA. मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप कहना चाहते हैं? नहीं, नॉट डिस्ट्रैक्ट, बट उस टाइम पे फाइनेंस की कमी हो गई क्योंकि ऑफिस के भी कुछ नए एक्सपेंसेस आए थे और हमने ब्रांडिंग पे भी एक्सपेंस कर दिए थे। जो ऑनलाइन स्पेंड हमारा रहता है 20-22 लाख जनरली अ मंथ, पर आप 50% अपना मार्केटिंग में डाल देती हैं, 50 लाख की सेल पे 20-22 बहुत ज्यादा है। इतना क्यों लगता है? 54% इज मार्केटिंग। यस, आई थिंक यू आर अ वेरी चार्मिंग टीम, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपका जो हसमुख है आप वो अच्छा है, आई थिंक इट इज गुड फॉर बिजनेस। थैंक यू सर। आई थिंक जहां प्रॉब्लम हो रहा है ना, अभी ये बहुत हो गया है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ना, इट इज बिकम कि आप इतने पैसे लगाओ और इतनी सेल हो जाएगी। अभी आप अपनी मार्केटिंग बंद कर दो, ये सेल पहुंच जाएगी 1-2 लाख रुपए। नाभी कोई और कर रहा है? नाभी ऑयल हमने शुरू किया तब कोई नहीं थी, कुछ लोगों ने कॉपी करके। आई थिंक यू शुड जस्ट फोकस देयर, एक बड़े साइज का बिजनेस बन जाए उसके बाद यू कैन यूटिलाइज जो आपके स्किल्स हैं टू डू अदर कैटेगरीज। आज मैं इससे बाहर हूं बिकॉज़ आई थिंक यू नीड टू डिसाइड फॉर दैट। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू। आपकी प्राइसिंग थोड़ी ऑफ है इन माय ओपिनियन। ये जो 900 रुपए का प्रोडक्ट है उसमें आप 54% मार्केटिंग स्पेंड करते हैं, वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग होता है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग से ब्रांड नहीं बनता है क्योंकि इट इज जस्ट अ कन्वर्जन टेक्निक। बट राइट नाउ ये टाइमिंग वर्क नहीं कर रही है इस कैटेगरी के लिए, तो दैट्स व्हाई आई एम आउट। थैंक यू। देखिए, एज फार एज योर ब्रांड इज कंसर्न्ड, मुझे लगता है आपको इसमें नीश ही रहना चाहिए। बिल्कुल। ये स्किन केयर वगैरह में घुस के और भी कंपेटिटिव हो जाएगा, और आपका जो 50% चल रहा है 2x, that will become even less. Okay. Right? इसमें रिटर्न और एग्जिट नहीं दिख रहा है मुझे, एंड दैट्स व्हाई आई एम आउट। थैंक यू। थैंक यू। बताइए, ये जो क्रीम आप बेच रही है, दैट एज अ परसेंट ऑफ 5.3 करोड़ सेल्स कितना है? 38%। 38%? आपका नाभी ऑयल का सेल्स हैज गॉन फ्रॉम 4.5 to 3.5। जी, not only is the sales flat, but cream add करने से increment आया और hero product कम हो गया है. That is a dangerous situation. Oh my God, that is an amazing insight, bro. ये brand, I'm not so sure can become a national brand. Maybe you can change that. I hope you change that. Yes. But right now, मैं वो देख नहीं पा रही. And for that reason, I'm out. Thank you. देखो, आपकी ना जैसे एक तो पर्सनालिटी बहुत प्लीजिंग है, विच कीप्स थिंग्स हैप्पी, कीप्स थिंग्स नॉर्मल। मैं भी थोड़ा सा ऐसे ही रहता हूँ, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली, हैव फन। पर अनफॉर्चुनेटली ये ना भी मार्केट थोड़ी छोटी है जो आप नाभी वाली मार्केट में घुसे हो, एंड उसी रीजन से अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूँ। गुड जॉब एंड यू नो, स्टे इन टच। जस्ट लाइक टू से वन स्मॉल थिंग, पैसे मांगने आए थे, बहुत सारी लर्निंग लेके जा रहे हैं, उससे बेटर क्या हो सकता है? देखा, व्हिच इज गुड, गुड जॉब गाइस, सुपर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर, थैंक्स, यू टू, हैव अ गुड डे। हेलो एंड वेलकम टू आस्क द शार्क। आज हमारे साथ यहां जुड़ रहे हैं मैन ऑफ स्टाइल एंड फाउंडर ऑफ शादी.com मिस्टर अनुपम मित्तल। सर वेलकम। थैंक यू सर। मिस्टर उमेश कुमार गोयल हैं हैदराबाद से, उन्होंने आपसे पूछा है कि इज इट गुड टू डू अ बिजनेस विद लेस प्रॉफिट बट मोर सेल्स, या मोर प्रॉफिट बट लेस सेल्स? आई थिंक ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस वेयर द आंसर इज इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स, राइट। अगर आपको धंधा सबसे पहले समझ में आता है एंड दैट इज व्हाट यू आर ड्रॉन टू,
और इम्पैक्ट बाद में समझ में आता है, तो यू शुड डू हाईली प्रॉफिटेबल बट लो सेल्स बिजनेस. समझ गया. अरे आपको कंफर्ट ज्यादा है मुनाफे से, आपको लीनिंग आपकी उस तरफ, बट आप एक्साइटेड हो, आप पैशनेट हो कि मुझे इम्पैक्ट बहुत से लोगों को लाना है, राइट? आई वॉन्ट टू क्रिएट अ डेंट इन द वर्ल्ड, सो टू स्पीक. तो देन यू शुड परस्यू द पाथ ऑफ स्केल और मुनाफा बाद, क्योंकि इम्पैक्ट वो स्केल पे लाने के लिए पैसा खोना भी बहुत पड़ता है, राइट? एट टाइम्स, राइट? लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी वो नहीं रही तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, राइट? तो यू हैव टू ओरिएंट बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी. I think it is safe to say that there is no right or wrong here. कि ये नहीं ये और ये नहीं ये, ये आप पे depend करता है. And मैं नहीं कह रहा, सर साक्षात. और अगर profitable business बना लिया, तो ये advice के लिए check जरूर भेज. हाँ, और सवाल पूछने के लिए मुझे भी थोड़ा सा, है ना? So ladies and gentlemen, Mr. Anupam Mittal, right in front of you. Thank you very much for joining us. We'll see you in the next one.